सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मुल्तानी मिट्टी को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, मुल्तानी मिट्टी से अपना रंग को कैसे निकालना है। आज मैं आपको घरेलू उपाय बताने वाली हूँ। मुल्तानी मिट्टी से आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन को तो बढ़ता है, स्किन को रंग को निकाल सकते हो, ये आप लोगों को भी पता है और थोड़े लोगों को रिक्वेस्टेड वीडियोज भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन मुल्तानी मिट्टी से अपना स्किन को रंग कैसे निकाल सकते हो और स्किन केयर प्रॉब्लम से मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल से कैसे दूर कर सकते हो, इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। इसमें से थोड़ा इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट रहता है लेकिन इफेक्ट तो बहुत अच्छा रहेगा अपना स्किन के ऊपर। और मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ ना, ये चीज़ जो है हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। सो वीडियो को ना एंड स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, आपको अच्छे रिजल्ट 100% मिल जाएंगे। और वीडियो के बीच में आपको कुछ डाउट है, कमेंट है, तो वीडियो पूरा देखने के बाद क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर देऊंगी। मुल्तानी मिट्टी रेमेडी के लिए हमें एक क्लीन बाउल लेना है। क्लीन बाउल में मुल्तानी मिट्टी ऐड करना है क्योंकि मुल्तानी मिट्टी हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। ये इसमें मुल्तानी मिट्टी में मिनरल्स रहते हैं। मैं यहाँ पे ना दो छोटे चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड कर रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी में मिनरल्स रहता है, इससे अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा और मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल से स्किन का टेक्सचर भी बढ़ता है। ये मुल्तानी मिट्टी हर किसी को सूटेबल है, इससे ना स्किन टाइट होगा, ब्राइट होगा। अगर आपके स्किन के अंदर डस्ट बैक्टीरिया है उसको भी हटा के पोर्स को भी मिनिमाइज करता है, पोर्स को भी टाइट करता है। इसमें हमें ऐड करना है 2 चम्मच कच्चा दूध ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। ये मुल्तानी मिट्टी तो किसी भी किराना शॉप में भी सुपरमार्केट में अवेलेबल है। अगर आपके घर में मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप अच्छे से ब्रांड वाले मुल्तानी मिट्टी खरीद लिए, क्योंकि मार्केट में ऐसे तो छोटे ब्रांड्स में भी है मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि उसमें थोड़ा केमिकल मिलावट रहते हैं। तो आप अच्छा वाला मुल्तानी मिट्टी को खरीद लीजिए, क्योंकि अच्छा वाला मुल्तानी मिट्टी को लेने से उसे रिजल्ट्स बहुत अच्छी तरह दिखेंगे। कच्चा दूध ऐड करके मिक्स कीजिए, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी दूध अच्छे से मिक्स होना चाहिए, इसलिए मैं पहले मुल्तानी मिट्टी कच्चा दूध ऐड कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं 2 फाइन पेस्ट जैसे मिक्स हो गया। इसके बाद इसमें 1/4 चम्मच आधी चम्मच चावल का आटा ऐड कीजिए। चावल का आटा इसलिए ऐड कर रही हूँ, ये अपना स्किन को टाइटन ब्राइटन करने के साथ ही साथ स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, इसलिए चावल का आटा ऐड कर चुकी हूँ। इसके बाद इसमें आधा कटा हुआ नींबू का रस ऐड करके इन सब चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए, कि नींबू में विटामिन सी रहता है, ये अपना ना स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। नींबू की वजह से चेहरे के ऊपर टैन डस्ट जो भी है सब अच्छी तरह निकल जाता है, इसलिए ना मैं नींबू का रस ऐड कर चुकी हूँ। आप देख सकते हो, फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को दोबारा अच्छी तरह मिक्स करना चाहिए। इसको जितना अच्छा मिक्स करना है उतना अच्छा पैक रिजल्ट। आप कुछ भी फेस पैक मेक अप्लाई करें, कुछ भी फेस पैक बनाए, लेकिन उसको अच्छे से मिक्स करना चाहिए, तभी ना सब इंग्रेडिएंट्स उसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे और आप अप्लाई करने से ना आपको विजिबल डिफरेंस दिखता है। मुल्तानी मिट्टी में इन चीज़ को आप ऐड करके चेहरे के ऊपर अप्लाई करोगे ना, इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा, स्किन भी टाइट और ब्राइट होगा। इसके बाद इसमें लास्ट एंड फाइनल ऐड करना है शहद। शहद हम ना ज़्यादा नहीं, 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करना चाहिए। 2 से 3 ड्रॉप शहद ऐड करना है, इससे ना चेहरे के ऊपर छोटे मोटे दाने हैं ये तो हर किसी का चेहरे के ऊपर रहता है, इसलिए ना शहद ऐड करने से ना स्किन के ऊपर थोड़ा अच्छे से ग्लो भी आ जाएगा और शहद ना स्किन को टाइटनिंग करता है, ब्राइटनिंग करता है और अच्छे से निखार भी लाता है शहद की वजह से, इसलिए मैं इसमें शहद ऐड कर चुकी हूँ। अभी इन सब को दोबारा अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हो ये पैक अच्छी तरह बन चुका है। इसको चेहरे के ऊपर किस तरह इस्तेमाल करना है मैं इस्तेमाल करूँगी और आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाऊँगी, इससे चेहरा कितना अच्छा सा निखरता है। मुल्तानी मिट्टी पैक को अप्लाई करने के पहले चेहरे को साफ रखना है। चेहरे को साफ रख के साफ चेहरे के ऊपर इसको अप्लाई करना चाहिए। ये अप्लाई करने के पहले चेहरे को अच्छे से नॉर्मल पानी से धो ले, इसके बाद ऑल ओवर चेहरे के ऊपर, गले के ऊपर इस पैक को लगाइए। अपना आँखों के नीचे अंडर आई एरिया छोड़ के पूरा चेहरे के ऊपर इसको लगाइए, क्योंकि अंडर आई एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, अपना बॉडी के अंदर आँखों के नीचे एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए उस एरिया छोड़ के
पूरा चेहरे के ऊपर अच्छे से अप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पे उंगलियों की मदद से अप्लाई कर रही हूँ, आप फेस पैक ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये पैक ना स्किन को टाइट करता है, अगर आपके चेहरे के ऊपर पोर्स है उसको भी मिनिमाइज करता है। स्किन को टाइटनिंग ब्राइटनिंग करता है, इससे ना स्किन टाइट ब्राइट होगा और मुल्तानी मिट्टी से रंग को भी अच्छे सा गोरा कर सकते हो। रंग को गोरा करना है तो मुल्तानी मिट्टी को इस तरह इस्तेमाल करने से ना वो रंग गोरा होगा और चेहरा अच्छे सा ग्लोइंग और टाइटनिंग होगा। इस तरह अच्छे से अप्लाई करने के बाद ये सूखने तक छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जब सूखने के टाइम पे ये पैक ना चेहरे के अंदर अच्छे से अब्जर्व कर लेती है। तब चेहरा ड्राई हो जाएगा, तब चेहरे को हल्का सा गीला करके पानी से वॉश कीजिए। ऐसा इस पैक को हर रोज़ कीजिए। अगर आपको हर रोज़ का टाइम नहीं है तो आप जब भी टाइम मिलता है तब इस मुल्तानी मिट्टी को इस तरह लगाइए। इससे रंग गोरा होगा और स्किन भी टाइटन ब्राइटन होगा, चेहरे के ऊपर पोर्स है वो भी बंद होगा, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स भी दूर होगा, क्योंकि इसमें चावल का आटा थोड़ा मैं ऐड कर चुकी हूँ। इससे ना चेहरे के ऊपर डेड स्किन सेल्स रिमूव होगा, व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स भी चले जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज मेरी मुल्तानी मिट्टी फेस पैक। अगर आप लोगों को इस फेस पैक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो को रिगार्डिंग कुछ कमेंट करना है, डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स रहता है उसमें कमेंट कीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।